अस्सलाम वालेकुम। आज जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो 20 अक्टूबर 2021 को लिया गया है। पीएसएम का 10 क्वेश्चन है, उस पर डॉक्टर अकमल साहब, डॉक्टर साहिब साहब डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एसोसिएशन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने का तरीका ये है। पहले इसकी टेक्निकल पार्ट से रह दूं कि इसमें से जो आपने देखे हैं फाइन ईयर, इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिसमें आप अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि जो पार्ट आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्ड जेनर है, लुईस पाश्चर है, पोटेनकॉफर है और जेम्स लिंड, इनमें से अच्छा है कि अगर आपको चारों आते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कभी आपको नहीं आते, तो जो आप में जिसको लेकर, जिस ऑप्शन को लेकर आप किसी को अगर एडवर्ड जेनर का के बारे में मालूम है कि इन्होंने क्या किया है, जैसे वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो आप सबसे ज्यादा कंफर्म जिसमें है, तो ए का 3 आ रहा है, तो आप इसमें से तलाश कीजिए ए का 3 किसमें है। तो दो ऑप्शन है सी एंड डी, इसमें ए का 3 आ रहा है। अब आप बाकी के ए और बी ऑप्शन इसमें कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ए का आंसर जो है वो 3 है, तो दो ऑप्शन में ए का 3 है। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन पे जाइए जो आपको आता है, फॉर एग्जांपल किसी को लुईस पाश्चर आता है या पोटेनकॉफर आता है, तो पोटेनकॉफर अगर आपको आता है तो पोटेनकॉफर ने क्या किया था कि इन्होंने मल्टी फैक्टोरियल कोरिलेशन थ्योरी दी थी, तो सी का 4 है, तो आप सी का 4 किसमें है एक तलाश कर लीजिए। तो सी का 4 दो ऑप्शन में बी और सी के अंदर, तो बी हम पहले ही इसको रूल आउट कर चुके हैं, अब सी 4 जो है ना सिर्फ सी में बचता है, तो ये दो ऑप्शन आपके यही मैच हो जाते हैं और आप इसको क्लियर कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पे काम किया था, लुईस पाश्चर ने हम जानते हैं कि इन्होंने जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे काम किया था, बहुत पहले से हम पढ़ते जा रहे हैं। पोटेनकॉफर जो है इन्होंने मल्टी फैक्टोरियल कोरिलेशन दिया था, अगर आपको याद हो जो हम पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है 1-to-1 थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आई, उसके बाद मल्टी फैक्टोरियल कोरिलेशन आया, उसके बाद जो है कॉज वेब ऑफ कॉजेशन आया, तो अलग अलग थ्योरीज आती गई, तो उसमें मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी जो है पर्टिकुलरली कब दी गई, जब ऐसी डिजीज इन्वेंट की गई जिनके लिए कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं था, यानी कि जैसे कैंसर हो गया, लंग कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, तो इनके लिए कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, तो उन बीमारियों के लिए हमने फिर मल्टी फैक्टोरियल पोजिशन दिया। नहीं तो ये होता कि अगर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइसिस, तो किसी भी बीमारी के लिए एक जर्म या एक एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये थ्योरी कब फेल हुई, जब इस तरह का जो बीमारियां हैं जिनमें कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होता जिनका कॉज, उस वक्त ये हमें परेशानी आई, तो फिर उसके बाद मल्टी फैक्टोरियल कोजेशन आई जो कि पोटेनकॉफर ने दी। ठीक है, जेम्स लिंड ने प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, अगर किसी को थ्योरी याद हो कि जेम्स लिंड ने जो स्कर्वी को प्रिवेंट किया था, कि बहुत सारे शिप के अंदर बहुत सारे मौजूद थे, आर्मी मैन मौजूद थे, उनको जब बीमारी हुई है तो उन्होंने सिर्फ विटामिन सी देकर उनको उनकी जो ब्लीडिंग होती थी गम्स में से या मसूलों से जो ब्लीडिंग होती थी उसको ठीक किया था। तो ये थ्योरी से याद रखी जा सकती है कि जेम्स लिंड ने विटामिन सी या खट्टे फल देकर स्कर्वी को प्रिवेंट किया था, तो ये आंसर हो जाता है इसका, तो इसलिए इसका आंसर सी जो है आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर आपको याद हो तो हमने इसमें पढ़ा है कि जॉन स्नो जो था, जॉन स्नो ने एक बाकायदा इसके ऊपर काम किया था, कॉलरा के ऊपर इंग्लैंड के अंदर 1848 से 1854 के बीच में उन्होंने काम किया था, कि जब बहुत ज्यादा कॉलरा का आउटब्रेक होता था कम्युनिटी के अंदर, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी कि इतने सारे लोग कैसे इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर इस पे 6 साल काम किया जॉन स्नो ने, और फाइनली कहा कि पानी से फैलती है बीमारी, और उन्होंने मतलब एक एक्सपर्टी बात ये कही थी जो उन्होंने पूरे रिसर्च करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको ये रिकमेंड किया कि आप जो है वहाँ पे जो हैंडपंप है उनके आप जो हैंडल है वो निकाल दीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो लोग पानी पी रहे हैं अपने आप निकाल निकाल कर, जो इन्फेक्टेड वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, उससे फैल रहा है, तो उन्होंने सबके हैंडल निकलवा दी, और फिर गवर्नमेंट ने सप्लाई किया वाटर जो क्लोरिनेटेड वाटर, उससे इस बीमारी को कवर अप करने पे मदद मिली। लेकिन इसमें क्या है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ वो तो वही बीमारी है कॉलरा, क्योंकि कॉलरा ही एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ की जो टर्म है या पब्लिक हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो वजूद में आया जब जेम्स सॉरी क्या कहते हैं जॉन स्नो इस पर काम किया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जॉन स्नो फादर ऑफ इपिडेमियोलॉजी,
और फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो कॉल रहा है एक बीमारी, किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। तो अगर इसमें आता है कि जॉन स्नो के बारे में आता, तो जॉन स्नो ने कॉलरा पे काम किया, लेकिन फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ वो नहीं है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसमें क्वेश्चन आंसर है डी, कॉलरा है, और फादर ऑफ इपिडेमियोलॉजी जो है वो जॉन स्नो है। इसी तरह सेम उसी टाइम में इंग्लैंड के अंदर ही काम किया था विलियम बर्ड ने। विलियम बर्ड ने काम किया था किस पर? टाइफॉइड फीवर पर। उससे पहले लोग ये एज्यूम करते थे कि टाइफॉइड और कॉलरा जो है ये माइजमेटिक थ्योरी, मतलब कुछ खराब हवा के जरिए से फैलता है, लेकिन जब इन्होंने इस पर काम किया तो पता ये लगा कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी कंटामिनेटेड होने से काम किया। तो जॉन स्नो ने जो काम किया वो कॉलरा पे काम किया और फादर ऑफ इपिडेमियोलॉजी कहलाया, लेकिन कॉलरा जो है ये फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है बीमारी, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो वजूद में आया। इसके साइड बाय साइड मैंने बताया कि विलियम बर्ड ने काम किया है टाइफाइड के ऊपर, तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाया करता है। इसका आंसर डी है, कॉलरा, ठीक है। और कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि जो जॉन स्नो है इसने काम किया है इसके ऊपर, तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ नहीं कहलाता, फादर ऑफ इपिडेमियोलॉजी कहलाता। क्वारंटाइन, करंटीना, अगर आप देखें तो तिब्बे के अंदर, तिब्बे यूनानी के अंदर भी, और मॉडर्न मॉडर्न बहुत बाद में कॉन्सेप्ट आया, लेकिन तिब्बे यूनानी में बहुत पहले से कॉन्सेप्ट है करंटीना, इसको कहते हैं। और क्वारंटाइन की जो जो टर्म है भी आप बहुत अच्छी समझ गए हैं इसमें, जो हमने कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा सुना है, बीमार लोगों हेल्दी लोगों को बीमारी से बचाने के लिए उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करवाना, ठीक है, ये कहलाता है क्वारंटाइन। और हेल्दी लोगों को, दूसरे लोग उनसे बीमार ना हो, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, ये कहलाता है आइसोलेशन। तो अगर बीमार को अलग करते हैं तो हम उसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन कहलाता है। इसलिए हॉस्पिटल्स के अंदर आइसोलेशन वार्ड होते हैं, क्वारंटीन वार्ड नहीं होते, क्यों? बीमार को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो आइसोलेट किसको करते हैं? बीमार को, और क्वारंटाइन किसको करते हैं? हेल्दी लोगों को। तो हेल्दी लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना बीमारी से बचाने के लिए क्वारंटाइन कहलाता है, और बीमारों को अलग करना, दूसरे लोगों को बीमार ना कर दें, उसको हम आइसोलेशन कहते हैं। तो क्वारंटाइन का जो वर्ड है ये बहुत पुराना वर्ड है, और तिब्बत यूनानी के अंदर भी करंटीना बहुत बार इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए सबसे पुरानी इसमें बीमारी है प्लेग। ये बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ करता था प्लेग का, तो प्लेग के लिए हम इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। क्वारंटाइन सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वो प्लेग के लिए, क्योंकि सबसे पहला यही है, इसका ही आउटब्रेक अक्सर हुआ करता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय WHO इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अगर आप बात करें, अगर आपने पढ़ा हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर जो वेलबींग का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, इसको समझने के लिए, वेलबींग का मतलब अच्छा महसूस करना, अब कौन सब कैसे महसूस करता है अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कब अच्छा महसूस करते हैं। तो कोई अच्छा महसूस करता है जब वो अच्छा खाना मिल जाता है, कोई अच्छा महसूस करता है जब उसको कोई बीमारी नहीं होती, कोई अच्छा महसूस करता है जब वो बहुत ज्यादा कमा रहा होता है। तो इस अच्छा महसूस करने को या वेलबींग को कैसे जज करें या कैसे असेस करें, तो उसके लिए जो इपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ टर्म्स दी, कुछ पैरामीटर्स बनाए उसको असेसमेंट करने के लिए वेलबींग का। तो दो पैरामीटर में उसको बांटा, सब्जेक्टिव पैरामीटर और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। अगर आप देखें इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग दो पार्ट में बांट दिया, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर और सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग आता है। और जो सब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं वेलबींग को असेस करने का, उसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, ये इस तरह के आते हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि उसका जो वेलबींग कैसी है, ये सब्जेक्टिव पैरामीटर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं किसी इंसान के, किसी कम्युनिटी के स्टैंडर्ड को नापने के लिए? हर वो चीज जिससे उसको आप देखकर आपको पता लगता है उसके स्टैंडर्ड का, खाना पीना, रहना सहना, पढ़ा, उसका लिटरेसी रेट, इतना एजुकेटेड है, वो कैसे रहता है, वो क्या जॉब करता है, तमाम के तमाम फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमन राइट्स नहीं आते हैं। तो इसमें तमाम के तमाम चीजें जो है, इनकम है वो भी इसके अंदर आएगी, आपको अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना हो, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, जहाँ वो रहता है उसकी कितनी साफ सफाई रखता है, ये भी उसके जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है। लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, जहाँ पर वो रहता है वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, उसका क्या लेवल है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पास में है या नहीं है, अगर कोई बीमार होता है तो कितनी जल्दी एक्सेस करता है वो हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को, तो डिस्पेंसरी पास में है या नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पास में है, अगर कोई बीमार हो जाए तो कितनी जल्दी उसको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है, तो लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ का है ये। तो ह्यूमन राइट जो है इसमें नहीं आता है, बाकी तमाम जो ए बी एंड सी है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर हम आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक्सेप्ट, ठीक है, PQLI। मैं इसको जब मैंने याद किया था, थोड़ा हंसने का मसला है इसमें, हंसी आ जाएगी शायद आपको, कि पगली बीमार है, मैं इसको ये कहता था पगली बीमार, PQLI पगली, और ILL इल, पगली इल है, तो पगली बीमार है, मैंने इसको इस तरह से याद किया था, ILL। तो PQLI के अंदर जो इंडिकेटर्स आते हैं जो वो है ILL, यानी के पहला पोर्शन जो है इसमें देखिए आप जो आ रहा है इसमें ऑप्शन पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इल आई से आता है। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1, ये एल से आ जाता है, और लिटरेसी रेट ये भी है, तो ILL ये तीनों पार्ट इसके अंदर है। पर कैपिटा इनकम ये पी, ये पगली इल के अंदर नहीं आता है, तो पर कैपिटा इनकम इसका आंसर हो सकता है। तो मैंने इसको बता दिया है पहले ही कि जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, तो हमने पढ़ा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग है उसके अंदर दो चीज, दो पैरामीटर्स बताएं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर एंड सब्जेक्टिव पैरामीटर। सब्जेक्टिव पैरामीटर में लेवल ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आता है जिसको हम नाप सकते हैं ILL से, इल से, और दूसरा आता है ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स HDI, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं, HDI को किल करना है, KIL HDI, ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स के जो डायमेंशन है वो 3 है, किल, के से नॉलेज यानी कि वो कितना पढ़ा पढ़ेगा अपनी पूरी लाइफ में, और लॉन्गेटिविटी एल से आता है लॉन्गेटिविटी, कितना उसकी जो लाइफ कितनी रहेगी, एक्सपेक्टेंसी क्या, जब वो पैदा होता है एट द एज एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज कॉल्ड एज लॉन्गेटिविटी, कितना वो जिएगा, और आई इसमें है इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना है उसका। तो ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स के जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो हैं किल, के से नॉलेज यानी कि लिटरेसी लिटरेसी सॉरी उसका जो एजुकेशन लेवल कितना रहेगा, और आई से आता है इनकम या पर कैपिटा इनकम या GDP कितनी रहेगी उसकी, और के से आता है नॉलेज, और एल से आता है लॉन्गेटिविटी या लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। PQLI के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एट द एज 1, और HDI के अंदर जो एल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1, ये इसमें एक बेसिक डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर डिसेबिलिटी रेट इन अ कम्युनिटी एक्सेप्ट। अब इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ अगर आपने पढ़े हों, तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ को नापने के लिए, किसी भी कम्युनिटी को नापने के लिए कि भाई वो कितनी हेल्दी है, उसको असेस करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से पैरामीटर्स हैं, उनको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसमें जिसमें किसी कम्युनिटी की हेल्थ को नाप सकते हैं। उसमें पहला जो इंडिकेटर है वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर मतलब कितने लोग अलग अलग बीमारियों से किसी भी कम्युनिटी के अंदर मर जाया करते हैं, तो जितने ज्यादा लोग मर रहे हैं वो कम्युनिटी इतनी ही कम हेल्दी, ठीक है, ये मोर्टेलिटी इंडिकेटर कहलाता है किसी भी कम्युनिटी के हेल्थ का। दूसरा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स यानी कितने लोग अलग अलग बीमारियों से बीमार होते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उसको हम मॉर्बिडिटी इंडिकेटर कहते हैं। और तीसरा इसमें है डिसेबिलिटी इंडिकेटर, इसको डिसेबिलिटी इंडिकेटर कहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो किसी कम्युनिटी में अपनी पूरी लाइफ जो गुजारते हैं उसमें कितना वक्त ऐसा गुजरता है जिसमें वो काम नहीं कर पाते हैं, बेड रिडन होते हैं, बीमार हो जाते हैं, या अपने काम को किसी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं कर पाते, तो उसको हम डिसेबिलिटी इंडिकेटर कहते हैं। तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर को नापने के अलग अलग पैरामीटर्स, उसमें सुलिवंस इंडेक्स जो है जो सबसे पहला है। सुलिवंस इंडेक्स क्या है, सुलिवंस इंडेक्स कहते हैं लाइक
जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कोई इंसान जितना साल उसको जीना है उसमें से हमें, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को 65 साल जीना है, तो उसमें से हम वो टाइम माइनस कर दें जिसमें वो बीमार रहेगा, बेड रिडन रहेगा और अपने नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। साल के तौर पर एक इंसान की जिंदगी 65 साल है और उसने उस 65 साल में से 5 साल ऐसे गुजारे हैं कुल मिलाकर जब वो बीमार होता रहा है, हॉस्पिटलाइज हो गया है और नॉर्मल काम अपने नहीं कर पाया, अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पाया है, अपने मजदूरी नहीं कर पाया है, या वो कोई जॉब करता था वो जॉब नहीं कर पाया, तो 5 साल उसने ऐसे गुजारे हैं जिसमें वो बेड रिडन रहा और काम नहीं कर पाया, तो उसका जो सुलीवन इंडेक्स होगा वो 60 ईयर्स होगा। यानी कि उसने जो सही अपनी जिंदगी गुजारी वो 60 साल ही गुजारी है, 5 साल तो उसने बेकार गुजार दिया। तो सुलीवन इंडेक्स जो है ये डिसेबिलिटी इंडिकेटर है। दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। HPI अगर आपने देखा हो तो HPI क्या है, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो मैंने बताया था कि जो ये आपने पढ़ा होगा जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग है उसके अंदर जो सब्जेक्टिव कॉम्पोनेंट है उसमें पहला क्या बताया था हमने, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दूसरा बताया था ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स HDI, इसमें तीसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। तो HPI जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ वेलबींग इंडिकेटर, ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी इंडिकेटर नहीं है। इसमें सी पार्ट है, इसका तो आंसर बी हो गया। इसमें सी क्या है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उसने कितने साल ऐसे गुजारे हैं जिसमें उसकी जो लाइफ है उसमें हेल्थ एडजस्टेड रहा है, वो पूरी तरह हेल्दी नहीं रहा है, उसको हम हेल कहते हैं, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, HALE हेल। और डी पार्ट जो है ये है डेली, डेली DALY, तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इसका मतलब क्या है, कितने साल ऐसे हैं जिसमें उसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से ऐसे गुजार दिए हैं जिसमें वो डिसेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का 30 साल की उम्र में हाथ कट जाता, तो उसने जो बाकी 65 साल में से 30 साल तो उसके हेल्थ रहे और डिसेबिलिटी के साथ जो वो जिया है वो 35 साल कैसे जिया है, डिसेबिलिटी के साथ। तो ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो है ये क्या है, उसके जो 35 साल ऐसे गुजरे हैं 65 साल में से जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड रहे हैं, तो उसने हेल्दी जो लाइफ गुजारी वो 30 साल गुजारी है, इसका मतलब ये। तो इसका जो आंसर है वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज ए पार्ट ऑफ वेलबींग इंडिकेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए वो कितनी हेल्दी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप इसमें देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कि कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जाया करते हैं किसी बीमारी से किसी कम्युनिटी के अंदर, 1 साल से पहले पहले मरने पैदा होने से 1 साल तक कितने लोग, कितने बच्चे मर जाते हैं। दूसरा क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माएं होती हैं बच्चे को पैदा करते वक्त, डिलीवरी करते वक्त कितनी माओं की डेथ हो जाती है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, ये टोटल फर्टिलिटी रेट का कोई लेना देना नहीं है, क्या कहते हैं हेल्थ स्टेटस से कितने लोग फर्टाइल हैं, कि एक इंसान एक अपनी पूरी लाइफ में शादी के बाद कितने बच्चे पैदा कर सकता है, उसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कितने साल जिएगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहलाती है। इसमें किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर आपको मालूम करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है जो हेल्थ को बताता है, तो वो उसका आंसर ए है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो जो 0 से लेकर 1 साल तक के अंदर जिसमें बच्चे ज्यादा मरेंगे उस कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है वो उतना ही कम होगा, और जितनी कम डेथ होती जाएंगी उतना ही वो कंट्री हेल्दी कहलाएगी। यानी कि 1,000 अगर डिलीवरी होती है तो कितने बच्चे मर जाते हैं 1,000 लाइफ डिलीवरी में से 1 साल को पहुंचने तक, उसको हम कहते हैं लाइफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जिस कंट्री के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी कम होगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छी हेल्दी होगी, तो उसका आंसर जो IMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम आते हैं, तो टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना, सबमर्ज पोर्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, जो सबमर्ज पोर्शन होता है उसमें क्या नहीं होता ये उसमें बता गया, नॉट कंसिस्ट ऑफ लेटेंट पीरियड
कैरियर अनडायग्नोज केसेस एंड हेल्थ हेल्दी पॉपुलेशन। तो ये तो सिंपल आंसर है। आपने अगर देखा हो आइसबर्ग फिनोमिना जो का जो टिप है वो उन केसेस को दिखाते जो बीमार एक्चुअली बीमार होते हैं जो दिखते हैं, तो क्लिनिकल केसेस को बताता है, और उसका सबमर्ज पोर्शन है जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है जो दिखता नहीं है उसमें वो तमाम केसेस होते हैं जो बीमार होते हैं लेकिन अभी वो उनके साइन और सिम्टम्स नहीं आए, तो उसमें तमाम के तमाम रहते हैं, चाहे वो कैरियर्स हों, चाहे वो सब क्लिनिकल केसेस हों, चाहे वो लेटेंट केसेस हों, वो सारे उसके अंदर रहते हैं। और उसका जो पानी का लेवल है वो ये वो डिमार्केशन है हेल्दी और अनहेल्दी के अंदर। और जो टिप है उसकी उस पे जो मेन कंसर्न रहता है वो क्लिनिशियन का रहता है या फिजिशियन का रहता है, और जो सबमर्ज पोर्शन है उसका जो मेन कंसर्न है वो एपिडेमियोलॉजिस्ट से रहता है या प्रिवेंटिव मेडिसिन के डॉक्टर का होता है। ठीक है, ये इसमें आया गया। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हेल्थ हेल्दी पॉपुलेशन, तो हेल्दी तो उसमें होते ही नहीं है जो आइसबर्ग फिनोमिना है, या तो उसमें बीमार होते हैं या वो बीमार जो दिखते नहीं, यानी कि क्लिनिकल केसेस जिनमें साइन सिम्टम आते हैं और वो केसेस जिनमें साइन सिम्टम नहीं होते हैं। तो आइसबर्ग फिनोमिना बताता है उन बीमारों को टोटल को जो दिख रहे हैं कम्युनिटी में और जो नहीं भी दिख रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, इनके वो छुपे हुए हैं कैरियर हैं, तो इसलिए हेल्दी लोग इसमें नहीं आते हैं। तो इसका आंसर जो है हेल्दी पॉपुलेशन है डी, ये इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय इम्यूनाइजेशन कम्स अंडर विच कैटेगरी, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। इसका बहुत सिंपल है, जब हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं तो प्रिवेंशन चार पार्ट दिए हैं इसमें। प्रीमोडियल या प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है, ये उन बीमारियों के लिए है जो नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जिनके अंदर एजेंट जो होता है वो नहीं होता है, उसमें क्या होता है रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एजेंट क्या है, किसी भी बीमारी के लिए एक एजेंट, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल हमने दिया था, तो ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई टीबी कॉज करता है, लेकिन हाइपरटेंशन कौन कॉज करता है, हाइपरटेंशन की वजह स्मोकिंग भी हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह ओवरवेट भी हो सकता है, ओवरईटिंग भी हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करना भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह जेनेटिक भी हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह मोटापा भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं जिससे आप कंप्लीटली ये कह सकते हो कि सिर्फ मोटापे से ही हाइपरटेंशन हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है। तो इसलिए जब बहुत सारे कॉजेज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है, जब हम किसी कम्युनिटी में रिस्क फैक्टर होने को ही रोक देते हैं, मिसाल के तौर पर मोटापा क्या है, रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, तो हम एजुकेट करें लोगों को ताकि वो मोटे ना हो, उनको हम हेल्दी रहने की सलाह दें, एक्टिव रहने की सलाह दें जिससे मोटापा नहीं आए उनको, तो क्या हम जो रिस्क फैक्टर है उनको ही पैदा नहीं होंगे, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाती है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कहलाती है, कि जब रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर लोग मोटे हो गए, अब मोटे तो हो गए लेकिन हम क्या करें, उनको ऐसी क्या बातें बताएं जिससे वो बीमारी उनके अंदर नहीं आए, रिस्क फैक्टर को रोकना प्राइमोडियल प्रिवेंशन, और बीमारी को फैलने से बीमार रिस्क फैक्टर के आने के बाद बीमारी को होने से रोकने को हम जो प्रिवेंशन करते हैं उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब कहते हैं जब बीमारी हो जाए और उसको फर्दर बढ़ने से रोकते हैं, तब हम उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाती है, यानी कि बीमारी जैसे हो उसको जल्दी से हम उस बीमारी का डायग्नोज कर लें और जल्दी से फिर हम उसको इलाज कर लें, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाती है। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है, कि किसी भी बीमारी को होने के बाद जो उसका डैमेज वो कॉज करती है उस डैमेज को मिनिमाइज कर दें हम, तो ये हम टर्शियरी प्रिवेंशन कहलाते हैं। तो प्राइमरी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, बीमारी से होने के लिए रोक रहे हैं, बीमारी ऑलरेडी आ चुकी है लोगों में, फैक्टर क्रॉस कर चुकी है, तो बीमारी को होने से रोक रहे हैं, इट इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो इम्यूनाइज करने के लिए जो हम करते हैं बीमारी से बचने के लिए, रिस्क फैक्टर तो हो गए आ गए हैं लेकिन हम बीमारी से बचाने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इम्यूनाइजेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि हेल्दी लोगों में हम लगाते हैं ताकि वो बीमार ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आइसबर्ग फिनोमेना इज नॉट सीन इन मीजल्स, एड्स, पोलियो एंड रूबेला,
इसमें एक इस क्वेश्चन के अंदर एक कंफ्यूजन है। आइसबर्ग फिनोमेना मैंने क्या बताया, एक तो वो बीमारियां जो सबमर्ज होती हैं या कैरियर स्टेज शो करती हैं या नॉन क्लिनिकल केसेस शो करती हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं बीमारों को। तो लेकिन मीजल्स इसका आंसर है, मीजल के साथ साथ रूबेला भी एक ऐसी बीमारी है जो नहीं शो करती है सबमर्ज या कैरियर स्टेट को। तो इसमें एड्स, पोलियो, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं, एड्स में लेटेंट पीरियड होता है और पोलियो के अंदर कैरियर स्टेट होती है, कैरियर ये कैरी करता है बहुत सारे दूसरे बीमार लोगों के अंदर भी और जाहिर नहीं होती बीमारी। लेकिन मीजल और रूबेला में ए और डी ये दोनों आंसर हैं इसके। रूबेला भी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आइसबर्ग फिनोमिना नहीं देखा जाता है, और इसके अलावा रेबीज, टेटनस, ये भी दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बिल्कुल नहीं देखा जाता आइसबर्ग फिनोमिना, इसके अंदर कैरियर स्टेट नहीं होती है। तो रूबेला, मीजल्स और इसके साथ साथ रेबीज और टेटनस, ये भी इसके आंसर हो सकते हैं आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। तो अगर आप किसी का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार जी प्रीमोडियल प्रिवेंशन बता देंगे फिर से? हाँ, देखो प्रीमोडियल प्रिवेंशन, बेसिकली जो प्रिवेंशन को डिवाइड किया गया था वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ही किया गया था, ठीक है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का जो जहूर हुआ वो कब हुआ, जब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का वजूद हुआ। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का वजूद कब हुआ, जब ऐसी बीमारियां आई जिसका कोई कॉजेटिव एजेंट नहीं था, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर, इनका कोई पर्टिकुलर एजेंट नहीं है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। फिर इनके बहुत सारे वजूहत हो सकती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हाइपरटेंशन का, तो लोग कहते हैं हाइपरटेंशन उनको भी होता है जो बहुत ज्यादा स्मोकर होते हैं, हाइपरटेंशन उसको भी होता है जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, हाइपरटेंशन उसको भी हो सकता है जिनके फादर मदर को रहा हो, तो जेनेटिक आंसर भी ये हो सकता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो जब बहुत, लेकिन इन बहुत सारे फैक्टर्स में से कोई भी एक ऐसा कंप्लीट फैक्टर नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो कि सिर्फ इसी वजह से ये बीमारी होती है। सिर्फ अगर कोई आदमी सिर्फ सिगरेट पीता रहे तो उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी, ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा, हजारों लोग सिगरेट पीते हैं, सबको तो नहीं होता, मर जाते हैं सिगरेट पी पी के, लेकिन उनको कभी हाइपरटेंशन नहीं होता। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबल, इनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जब हम रिस्क फैक्टर को पैदा होने से रोकते हैं तो उसको हम प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं, और जब हम पॉजिटिव एजेंट को होने से रोकते हैं तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो अगर मोटापा ना आने दिया जाए, और अगर किसी को फैमिली के अंदर हिस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, तो उसको हम पहले से अवेयर करेंगे। देखो आपके दादा को, आपके वालिद साहब को भी हो गई थी, तो आपको चाहिए कि आप नमक कम खाओ और एक्सरसाइज किया करो, और ऐसी चीजें जो फैटी हैं उनसे बचें, तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन इज ब्रेकिंग ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन टू द कम्युनिटी। तो रिस्क फैक्टर को ही कम्युनिटी के अंदर आने से रोकने के लिए जो हम प्रिवेंटिव इकदाम करते हैं उनको हम कहते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन। इसके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है, अवेयरनेस और एजुकेशन ये सबसे बड़ा टूल है इसके लिए। ठीक, और कोई क्वेश्चन लीजिएगा। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर एक्चुअली जी। मैंने ही मैं शाहिद इकबाल हूँ। या फैकल्टी है जो क्लास लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है जी, बताइए। मैंने ही जी। सर पार्क में क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है कि मोर देन 50 to 65% केसेस रुबेला के अंदर एसिम्टोमेटिक होते हैं, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मीजल्स एंड रुबेला इन दोनों में डिफरेंस यही है कि मीजल्स के जो केसेस होते हैं वो ज्यादातर सिम्टोमेटिक होते हैं, जबकि रुबेला के जो बहुत सारे केसेस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। और जबकि शार्प में लिखा हुआ है रुबेला को उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, फिर मैंने नेट पे भी सर्च किया तो वहां पे एक जगह मुझे मिला भी, तो वो सिर्फ को वहां पे नहीं दे रखा था। तो इसलिए मैंने बच्चों को बताया, स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि रुबेला में आइसबर्ग फिनोमेना दिखता है।
नहीं, इसमें क्या है देखिए, रूबेला ये क्या है, कंट्रोवर्शियल थ्योरी है इसके बारे में, ठीक है। जो चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं या तो उसको आप एक्सप्लेन कर दें, और इसमें दिक्कत ये होती है कि जब क्वेश्चन बनता है ना, जब क्वेश्चन बनता है तब हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के जब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऑप्शन में या तो रूबेला होगा ही, अगर रूबेला होगा तो फिर हमें क्या करना है। तो नॉर्मली रूबेला नहीं होगा, जैसे आप अगर आपने उसूले तिब पढ़ी हो तो उसूले तिब में जो तफरुक इत्तिसाल वाला पोर्शन है ना, अमराज इल्मुल अमराज जो कदीम अमराज है, और आप अगर वामी कमीन से पढ़ेंगे या इफादा कबीर से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट मिलता है, ठीक है। तो उसमें हम किसको माने, कभी कभी क्या होता है कि जो हाँ, तो जब हम चीजें रखते हैं तो हमें स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे गौर करना है, कि अगर रूबेला ऑप्शन में नहीं है तो हमें रूबेला को टिक नहीं करना है, मतलब सोचना ही नहीं। अगर रूबेला ऑप्शन में है तो फिर ऑप्शन क्या कहता है, तो फिर हमें, क्योंकि ये जो आंसर हम लिखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा इसमें एक बात ये होती है, इसमें करेक्ट और राइट और रॉन्ग नहीं होता, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जैसे आपने इस पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एट बर्थ, तो कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं किसी भी स्टेट, सर तीनों को ही सेंसिटिव इंडिकेटर दिया हुआ है बुक के अंदर। हाँ हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तीनों इंडिकेटर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, बट तीनों में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है वो लाइफ इन्फेंट मोर्टेलिटी था, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन स्पेशली बताया भी था, फिर मैंने पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ ऑप्शन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नहीं है ऑप्शन, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, तो हम क्या कहते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही है, हालांकि दोनों ही हैं, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं दिया हुआ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिया हुआ है तो स्टूडेंट ने क्या पढ़ा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो उस वक्त बताना जरूरी है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये भी होगा। तो इस तरह की चीजें, रूबेला एक कंट्रोवर्शियल चीज है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम क्या मिलता है रूबेला, जब कोई रूबेला पॉजिटिव होता ना पेशेंट, तो जी उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही अबॉर्शन हो जाता है, ये सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इसका बड़ा सिम्टम है जो हैबिचुअल अबॉर्शन, ठीक है, अगर रूबेला पॉजिटिव होता है पेशेंट। लेकिन ये कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जब उसका एक लेवल होता है उससे ज्यादा होता है, तो इसलिए आंसर जो ये रूबेला वाला ऑप्शन है ना, जब अगर इस तरह की चीज की रूबेला ऑप्शन में दिया ही नहीं जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, तो दोनों हो सकते हैं और आपकी बात भी सही है, ठीक है ना, कि मोर देन 60% जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर इसमें राइट और रॉन्ग का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर इसमें आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। और फिर मैंने इसी वजह से नेट पे सर्च किया ताकि मैं क्लियर कर लूं, फिर नेट पे मुझे एक जगह पे सिर्फ तीन ही ऑप्शन मिले, रूबेला उसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने बच्चों को बोला भी कि आप अगर रूबेला, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पार्क से रेफरेंस बुक से बनाते हैं, तो वहां पे अगर वो रेफरेंस बुक से बना होगा तो मे भी हो सकता है कि रूबेला को वो आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर काउंट कर लें। हाँ हाँ, तो वो एक चीज है, जब पढ़ाए ना हैंड टू एक्सप्लेन भी कर दें ताकि स्टूडेंट उस टाइम कंफ्यूज ना हो जब वो क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन आ जाए, क्योंकि वो अक्सर तो स्टार्स पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट। जी बहुत हेल्दी डिस्कशन था, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को जो कहीं कंफ्यूजन भी रहा हो तो समझ में आया होगा, और अब टाइम तो गरीबन नहीं है, एक मिनट बचा हुआ है, तो फर्दर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी का वक्त नहीं बचता है, तो इंशाल्लाह इस तरह से हम क्वेश्चंस पे जो डाउट क्लियर करने के लिए अलग अलग फैकल्टी पर से हम डिस्कशन के लिए लाएंगे, और इससे आपको और फायदा ये होगा कि जो डिस्कशन का जो पार्ट है वो आपको जैसे अभी आइसबर्ग फिनोमेना पे जो कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन था और नौशाही साहब ने भी क्लियर किया और अकमद साहब ने भी क्लियर किया, यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है मोस्ट अप्रोप्रिएट का, अगर दो क्वेश्चन आपको, दो ऑप्शन आपको सेम मिल रहा है लेकिन उसमें से जब आपको दोनों अवेलेबल है तब क्या करेंगे ऐसी सूरत में,
वहां पर जवाब आपका क्या होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नॉर्मल साहब, डॉक्टर शाही साहब और स्टूडेंट, क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।